नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। इटावा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में स्थित बुद्ध विहार में उनके 66वें परिनिर्वाण दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर कौमी तहफूज कमेटी के संयोजक, पूर्व सांसद, बसपा संस्थापक मान्यवर कांशीराम के चुनाव प्रभारी रहे खादिम अब्बास ने की बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसी भी वर्ग व जाति बंधन में नहीं बांधा जा सकता। वहां महामानव थे। उन्होंने कहा था कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दे तो वह विद्रोह कर देगा। उन्होंने कहा था, जहां सहनशीलता की सीमाएं समाप्त होती है वहां क्रांति जन्म लेती है। वोट का अधिकार भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने दिलाया था। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाबा साहब जो अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण की व्यवस्था संविधान में दिलाई थी, आज इस वर्ग को आरक्षण से वंचित किया जा रहा और सरकारी विभागों का निजीकरण करके भारतीय संविधान का निरादर किया जा रहा है। खादिम अब्बास ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रुके हुए मिशन को आगे बढ़ाने का काम बहुजन नायक कांशीराम ने किया था। आज हमें बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान की रक्षा करनी है और उन तत्वों को बेनकाब करना है जो एक षड्यंत्र के तहत भारतीय संविधान और आरक्षण को नष्ट कर देने की साजिश से रच रहे। खादिम ने कहा कि यदि सर्वहारा समाज हमें अपने वोट का सही इस्तेमाल करे तो वह शासक बन सकता है। उसराहार से गौरव शाकी की रिपोर्ट। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे तेजस 24 न्यूज़।